रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर माजरा में ग्रामीणों द्वारा तहसील दिवस एवं थाना समाधान दिवस में भू माफियाओं द्वारा गांव में गांव के तालाब और गांव ग्राम समाज की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे की बार बार शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को तहसीलदार अभय राज पांडे राजस्व टीम एवं स्थानीय पुलिस बल को साथ लेकर क्षेत्र के गांव सलेमपुर माजरा पहुंचे। टीम ने तालाब एवं ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा पाया। इस दौरान राजस्व टीम ने अवैध रूप से कब्जे पर सब्स्ट मशीन चलवाकर चारों ओर से बाउंड्री कराई। प्रशासन द्वारा चलाई गई मुहिम से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार अभय राज पांडे ने बताया कि सभी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। आदि भी बोई गई है और यहाँ पर इसकी बाउंड्री करा कर चिन्हित कराया जा रहा है और जो अवैध कब्जे हैं इनको हटवाने की प्रक्रिया जो है जारी है। आप देख रहे हैं वो जेसीबी मशीन चल रही है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।